हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पीके इंडिया में। दिल से स्वागत है आप लोग का। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कुछ पैन कार्ड रिलेटेड कंसर्निंग जो भी है उसके ट्रिक्स बताने वाला हूँ। न्यू पैन कार्ड जो है आप डिजिटल पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्विकली आपको ये यानी ऑनलाइन ही होगा सब। डिजिटल पैन कार्ड कैसे बनाते हैं इसके लिए क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहें फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो नए ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन मिले उसका। तो ठीक है, अब हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है सर्च करते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ पैन कार्ड इनकम टैक्स में सर्च कर रखा था, तो इसको सर्च करते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखिए होगा पैन कार्ड ई फिलिंग, इसको क्लिक कीजिए। देन इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये पैन कार्ड का साइड जो है ओपन हो चुका है, ठीक है, जो इस प्रकार है आप देख सकते हैं। तो डिजिटल पैन कार्ड जो है बनाने के लिए आपके पास आधार नंबर और वो आधार नंबर जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बाकी फिजिकल बनाने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। यहाँ पर कुछ नहीं, आपका डिजिटल बनाने के लिए केवल आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक उससे होना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। बाकी काम इससे उतना ही होगा और फिजिकल का प्रोसेस भी इसमें होगा। तो पहले आप डिजिटल के लिए देखिए गेट नाउ पैन कार्ड है ना, यहाँ इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आपका आधार नंबर इंटर होगा इसके अंदर, और उसके बाद कैप्चा कोड है जो इसको आप नीचे आएगा आपके सामने, उसको नीचे डालना पड़ेगा, फिर कंफर्म करना पड़ेगा। और देन यहाँ नीचे देख लीजिए सीरियल वन, आई हैव नेवर बीन अलॉटेड टू ए परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। आपको आपने नहीं बनाया करके माई मोबाइल नंबर इज लिंक विथ आधार नंबर, ये भी होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो है कम्प्लीट प्रोसेस है, डेट मंथ ईयर्स जो है आधार कार्ड में अवेलेबल होना चाहिए। आई एम नॉट माइनर एज एप्लीकेंट डेट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये होना चाहिए। आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन, मैंने वो पढ़ लिया जो सब कुछ है, इसके बाद इसको कंफर्म करना चाहिए। आई कंफर्म दैट के ऊपर टिक करना है, उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी करना है, फिर ओटीपी मिलेगा। देन यहाँ पे देखिए वैलिड आधार डिटेल, वैलिड ईमेल आईडी, गेट पैन कार्ड, तो ये सब चीज़ होना चाहिए आपके पास, फिर वो जो है डिजिटल बन जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको चेक भी कर सकते हैं, इसके लिए पूरा प्रोसेस इसी वेबसाइट के अंदर है। तो बाकी मैं लिंक दे दूंगा सबका अपना डिस्क्रिप्शन में, तो शॉर्टकट इसी प्रकार का बना सकते हैं आप लोग। आज के लिए यही था, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जो भी मेरे चैनल ज्वाइन किए हैं, और लास्ट में बोल रहा हूँ जो भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।